अभी मैं मोहनिया घाटी के यहाँ जहाँ अभी स्थल पर ही हूँ, जहाँ अभी शिवराज सिंह चौहान जी और माननीय नितिन गडकरी जो पथ परिवहन मंत्री हैं केंद्र से, जिनका यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण होने जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी ग्रामीण वासियों की भीड़ भी देखी जा सकती है। देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की तादाद पर यहाँ पर बस है और बस से अलग अलग ग्रामीणों से यहाँ पर भर भर के लोग आ रहे हैं। फिर भी काफ़ी लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप चारों तरफ का जो दृश्य है, ये दृश्य कहीं ना कहीं से बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ सिखाता है इस बिंद के लिए और ये मोहनिया घाटी टनन के लिए। फिर भी यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, उसे मैं जानने का प्रयास करूँगा। देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ से आए हैं सर आप? सर मैं मनगमा से आया। किसके लिए यहाँ पर आए हैं? अपनी बेरोजगारी को सुनाने के लिए। तो यहाँ पर कोई सुनने आ रहा है? यहाँ कुछ नहीं सुनने आ रहा हम लोग। भैया आप कहाँ से आ रहे हैं? हम तो मनगमा से आ रहे हैं। ये बताइए कि जो मोहनिया घाटी का जो यहाँ टनल है, इसका प्राप्त होना बिंद के लिए गौरवान्वित क्षण है, उससे आप कितना खुश हैं? खुश तो बहुत हूँ, पर जो अपनी समस्या है उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इससे तो ठीक है जो है तो अच्छी बातें हैं, पर कुछ शिक्षकों की मांगे भी पूरी की जाए जो कि रोजगार के लिए बहुत ज़रूरी है। भैया आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं मऊगंज से। क्या देखने यहाँ पर आए हैं? बुलाया गया कि आ जाइए तो आ गए हैं। पैसा लगा है आपको यहाँ आने के लिए? पैसा नहीं लगा। कहाँ से आए हैं आप? बस से। बस से आए हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट थी? फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कहाँ से आए सर? मऊगंज से। मऊगंज से ही आप सर? तीनों लोग। तो ये बताइए कि यहाँ जो मुख्य एजेंडा है होता है, जो लोगों के अंदर सवाल होते हैं, तो यहाँ आने का आप लोग के अंदर क्या एक यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि हो सकता है युवाओं के बारे में कुछ मुख्यमंत्री साहब कुछ कहें, क्योंकि बेरोजगार बहुत सारे युवा हैं, रोजगार की जरूरत है, दिखाने की जरूरत नहीं है। ये बताइए जो यहाँ पर हजारों की तादाद पर बस हैं, तो इसका बहस सरकारी करेगी? अब ये तो आप ही बता सकते हैं, तो वही बताएंगे। नहीं तो आपको पैसा नहीं लगाना? जी नहीं। तो कहीं कहीं सरकार ही व्यय कर रही है? बिल्कुल। चाचा आप कहाँ से? इसके लिए पैसा है जी, ये व्यय करने के लिए पैसा है, पर जो रोटी कपड़ा मकान बेसिक जरूरतें हैं सरकार आज की पब्लिक की, उसको खर्चा करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। ये कर्मचारियों को ढोने के लिए, बस लगाने के लिए, इन सब के लिए तो बहुत पैसा है, पर बेसिक जरूरतें आज भी पब्लिक जो रो रही है उसके लिए पैसा नहीं है शासन के पास। आप कहाँ से हैं चाचा? हम दुआरी से। हम तो भाजपा के सदस्य भी हैं जी, और यहाँ का आने का हमको बड़ी खुशहाली हुई और समाचार भी मिला जी, और हमें इनके ये जो इनकी नीति चल रही है हमें अच्छा लग रहा है। देश गांव गांव में सब पर प्रगत हो रही है, घर बनवा रहे हैं, पानी की सुविधा करा रहे हैं, ये अच्छे। हमारा नाम है राम लखन पटेल। रोजगार के लिए क्या आपकी सरकार? रोजगार के लिए ये है कि जो जैसा पढ़ा लिखा है उसके लिए तो ऐसा दिया जाएगा। ये बताइए ये लोग पढ़े लिखे लोग नहीं दिख रहे हैं आपको? ये जी ये पढ़े लिखे हैं लेकिन उम्र तक इनकी अब लगता है कि नौकरी वाली नहीं रह गई। तो क्यों नहीं रह गई ये बताइए? आपकी सरकार कितने वर्षों से है? ये हमारी सरकार 15 तो 15 वर्षों से। क्या लगता है ये अभी अभी हाल में इतने एजेंट हो गए हैं? अब ये लोग कुछ रोजगार धंधा कर लिए होंगे, उस समय पर अप्लाई न किए होंगे। और कौन से विभाग में आपकी सरकार भर्ती निकाली जिसमें ये लोग अप्लाई करें? ये तो अभी तो जज मजिस्ट्रेटों की भर्ती हुई है, अभी रैली हुई है, रैली। चाचा आप कहाँ से आए हैं? बस बाहर गांव। ये बताइए कि यहाँ मुख्यमंत्री क्या नाम क्या कुछ दिखाता है, कहाँ किस तरफ ये निर्देश दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं। पब्लिक के लिए क्या सौगात मिलेगी ये बताइए? कुछ नहीं मिलेगा। ये बताइए चाचा, मोहनिया घाटी का जो टनल है ये बिंद के लिए गौरव क्षणीय दृश्य है, कहीं ना कहीं सुगमता हुई, पर ये चोचलेबाजी करने की क्या जरूरत थी? इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? भाई जो खर्च करता है वो कुछ अपने लिए भी खर्च करता है, वोट बैंकिंग के लिए। बिल्कुल, वोट बैंक के लिए तो सब हो रहा है ना चाचा? आप भाजपा के कहीं कहीं सदस्य? हम ये नहीं कह सकते कि वोट के लिए है, हम तो विकास के लिए समझ रहे हैं। ये बताइए ये लाखों की तादाद पर पब्लिक को बुलाया जा रहा है, इससे क्या क्या फायदा है? फायदा ये है कि यहाँ का जो कार्य स्थल है अच्छा है, जो सौर ऊर्जा बनवाए हैं जी, ये तो हमारे सब रोशनी दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? दुआरी गांव में लग गई है, तमरा में भी लग गई है। नहीं नहीं, इसका रोशनी कहाँ जा रही है रीवा में आप इतना बता दीजिए? दिल्ली जा रही है तो यहाँ भी है। ये सदस्य होने के नाते आप इस बात को पहुँचाएंगे मुख्यमंत्री? क्या बिल्कुल पहुँचाएंगे। ये बताइए यहाँ पर रोजगार कहाँ के लड़के कर रहे हैं सर, आपको पता है? सब बाहर के लड़के हैं। बाहर के कर रहे हैं? जो उसने ट्रेनिंग किया होगा उनको रोजगार मिला। नहीं, यहाँ सब अनपढ़ है रीवा में, लोग तो कोई ट्रेनिंग नहीं किए ही नहीं जी। चाचा आप बताइए, बहुत बड़ा यह सोलर प्लांट है, लगभग एशिया का नंबर एक है। हाँ। पर नंबर एक होने के नाते क्या आपके गांव में बिजली पर्याप्त मिलती है? नहीं मिलती है। तीन फेसलाइन कितने घंटे मिलती है आपको पता है? नहीं मिलती बिजली पर्याप्त। सर आप बताइए, आप लोग लगभग काफी अनुभवी लोग हैं, गांव में बिजली कितनी मिलती है आप लोग ईमानदारी से बता दीजिए? 50 आधी आधी बिजली मिलती है, आधी नहीं मिलती। आप बताइए सर, आप भी गांव के किसान है, किसान होने के नाते बताइए बिजली कितनी मिलती है?
बिजली तो हमारे जरूरत तक नहीं है, जैसे मट्टी का तेल अगर उतना खरीदे तो हम नहीं दे सकते, लेकिन बिजली में हमको बहुत फायदा है, मोबाइल चार्ज करो ही फायदा है सर। बिजली कितनी मिलती है ये बताइए किसानों के लिए, बिजली कितनी मिलती है? अरे हमारा भी बताइए चाचा, सोलर प्लांट यहाँ पर एशिया का नंबर एक है, ये उपलब्धियाँ गिनाने यहाँ आए हैं, लाखों लोग सुनने आए हैं, बड़ी अच्छी बात होती है हम लोगों को, पर गांव में बिजली कितनी मिलती है आप इतना बता दीजिए। 4 घंटे रहती ये गांव, इतने लोग आ रहे हैं इनके लिए कितना कुछ फायदा देखने को मिलेगा आप इतना बता दीजिए। 4 घंटा बिजली है। आप बहुत बुजुर्ग हैं चाचा, आप भी सही किसान ही होंगे, आए होंगे लगभग आपका पैसा नहीं लगा होगा जेब का, कौन से गांव से आए हैं? बरसाइता। बरसाइता से पैसा नहीं लगाना आने का आपका लगा है? कहाँ से आप आए हैं लगा पैसा? ये बसई से ना आए हैं? हाँ कहाँ से? मोटरसाइकिल से। अच्छा क्या काहे के लिए आए हैं सर इतना? हम मिलने के लिए आए, मुख्यमंत्री जी महोदय आए हैं। मिल पाएंगे आप? नहीं जा रहे हैं, उनका उद्बोधन सुने, वो क्या करना चाहते हैं, उद्घाटन है आज, जनहित में क्या बोलना चाहेंगे वो। उद्बोधन तो आप मीडिया से भी सुन लेंगे, बाहर से भी सुन लेंगे, पर यहाँ पेट्रोल खर्च करके आने का क्या उद्देश्य? ये हमारी इच्छा थी, श्रद्धा थी कि मुख्यमंत्री इतने यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे देश के, हमारे प्रदेश के, देश का है के, तो बहुत बढ़िया बात है, पूरी पब्लिक आई तो इसी तरह हम भी आगे भाई। ये बताइए ये जो जितनी बसें खड़ी हैं क्या लगता है ये जितनी भी बसें हैं ये अपने पैसे से आए होंगे? जी बिल्कुल। अच्छा। समाज सेवा बहुत बड़ी चीज़। ये जितने बस वाले हैं सब बिल्कुल सब जेब के पैसे से समाज आए हैं? सेवा, समाज सेवा। आप दे रहे हैं से बात वो बोले कि प्रशासन मुझे देगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, होता क्या है जैसे हम लोग 4 लोग हैं भैया, मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में चलना है, अपन लोग चंदा करके वहाँ चले जाते हैं। अच्छा जी, तो चलिए तस्वीरें हैं, अलग अलग लोग की अलग अलग विचार है यहाँ पर दे सकते हैं, प्रशासन के भी लोग अपनी कड़ी मशक्कत के साथ में व्यवस्थाएं कर रहे हैं, यहाँ दे सकते हैं सर लोग भी कहीं कहीं से लाठी डंडा जितना यथाउचित हो सक रहा है कहीं कहीं व्यवस्थाओं में ही लगे हैं, कहीं ना कहीं से इनको भी लगता है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पब्लिक के लिए कहीं कहीं सुरक्षा प्रदान हो। सर ये कार्यक्रम इस तरीके से आप लगातार देखते होंगे सर, रीवा के ही हैं सर जी, जी ये एक छोटा सवाल होता है, जो मोहनिया घाटी टनल है जी, इसका यहाँ पर आना ये कितना गौरवान्वित करता है सर? हाँ जी, ये तो एक जनता के लिए काफ़ी राहत है इसमें जी, क्योंकि पहाड़ में काफ़ी घुमाव था जी, जो ये बन गया है इसमें जनता को। अच्छा सर एक चीज़ और मैं पूछूँ आपसे, ये जितनी जो पब्लिक का जो बवंडर ये चारों तरफ मचा है जी, तो इनको बुलाने का क्या सर, इससे क्या फायदा होगा? अब ये एक राजनीति है, इतना जो बसें हैं सर, इतने में शासन जो कोस होता है कहीं कहीं हम सबके टैक्स के पैसों से जाता है, तो ये सब फालतू के बहाने से क्या फायदा है? अब ये तो अब राजनीति है, अब राजनीति में तो देखिए कहीं ना कहीं से अगर सर समझ सकते हैं तो आपके यहाँ बैठे हुए जो अच्छे अच्छे लोग हैं और विपक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं, आखिर वो लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? देख सकते हैं इधर काफ़ी लोग हैं, अलग अलग लोगों से अगर सवाल पूछूं तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं अगर सबका सरांश अगर बोलना चाहूं, जितना ये करोड़ों की रुपए से अगर ये लोकार्पण किया जा रहा है, शिलान्यास किया जा रहा है, ये दुनिया भर की चौंचलेबाजी कर दी गई है इस सरकार के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं से अगर यही पैसा अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता कहीं मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार के लिए, लोग की अगर रोजगार मिलता तो कहीं कहीं मध्य प्रदेश का विकास होता, ये बसे और लोग को दिखाने से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का विकास नहीं होगा, ये लोगों को लाने से कहीं ना कहीं से ये जो मोहनिया घाटी जो टनल है, ये मोहनिया घाटी टनल की जो खासियत होती है वो लोग नहीं समझेंगे, ये यहाँ सब लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, केवल अपने रोजगार के लिए अभी मांग कर रहे हैं, रोजगार की आशाओं में बैठे हुए हैं, जितने भी हैं चाहे आप आउटसोर्स की बात कर लीजिए, संविदा की बात कर लीजिए, चाहे ग्रामीण रोजगार जो सहायक सचिव हैं उनकी बात कर लीजिए, अनेकों लोग अभी भी इस आशाओं में हैं कि शायद कोई फरिश्ता आएगा और हमारे लिए कोई बात करेगा, और जितने भी यहाँ स्थितियाँ देखेंगे ये शायद भाई साहब ये सब लगभग बेरोजगार ही लोग होंगे, अगर रोजगार में हो तो इतनी सारी जो संख्या है इतनी सारी संख्या न देखने को मिलती, यहाँ पर देश जितने भी यहाँ पर युवा होंगे लगभग महिलाएँ होगी, ये लड़कियाँ होगी, जितने भी बच्चे हैं ये कहीं ना कहीं से कुछ आशा लेके आए हैं, लेकिन शायद ये आशा कितनी देखने को मिलेगी 1-2 घंटे में साफ झलकता हुआ दिखेगा। इसी तरह देखिए बिंद पे टीवी में आर्य सवाल, जय हिंद।